फ्रेंड्स, बिना की दुनिया में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपको ये सिंपल सा डोरमेट बनाया है मैंने, इसकी किनारी की झालर बनाना बताऊंगी। इससे हमारा डोरमेट और खूबसूरत हो जाएगा और इसको हम बड़ा भी बनाएंगे। इससे हमारा डोरमेट और बड़ा हो जाएगा। तो ये कैसे बनाते हैं मैं आपको बनाना बताऊंगी। तो इसके लिए मैंने यहाँ 8 नंबर की सिलाई ली है और ये 2 कलर की ऊन ली है। तो मैं आपको बनाना बताती हूँ। पहले हमें फर्स्ट कलर से एक नॉट लगाना है। एक फंदा बन गया हमारा, टोटल हमें 5 फंदे बनाने हैं। एक ये बन गया, ये 2, आप जिस तरह भी फंदे डालते हैं वैसे ही डाल सकते हैं। 3, 4 और ये 5। तो 5 फंदे से ये हम शुरू करेंगे। तो यहाँ एक फंदा बढ़ाना है, ऐसे सिलाई में ऐसे धागा लपेटना है तो हमारा एक फंदा बढ़ जाएगा और ये 5 फंदे जो हमने डाले उन्हें उल्टा बना लेंगे। 1, 2, 3 इस तरह से फंदे डालने से फ्रेंड थोड़ा फंदे टाइट होते हैं पहली सिलाई में। 4 और ये 5। एक फंदा हमने बढ़ाया और 5 फंदे उल्टे बनाए तो हमारे पास ये 6 फंदे हो गए। 3, 3, 6। इस सिलाई को इसमें हमें पहला फंदा सीधा उतारना है और धागा अपनी तरफ करके बाकी फंदे उल्टे बना लेने हैं। एक सिलाई में हमें फंदा बढ़ाना है और एक सिलाई को केवल उल्टा बुन देना है। फिर यहाँ हमें एक फंदा बढ़ाना है तो ऐसे धागे को लपेटा सिलाई में ऐसे और ऐसे एक फंदा बढ़ गया। ये 2, 3, 4, 5, 6, 7 तो हमारे पास ये 2 फंदे बढ़ गए हैं। और इस सिलाई में कुछ नहीं करना है, इस फंदे को ऐसे उतारा सीधा और धागे को अपनी तरफ करके बाकी फंदे उल्टे बुन देने हैं। 4, 5, 6, 7 फिर इस सिलाई में एक फंदा बढ़ाएंगे। ऐसे एक धागे को ऐसे सिलाई में लपेटा तो एक फंदा बन गया। ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 फिर इस सिलाई को पहला फंदा बिना बुने उतारा और बाकी सारे फंदे धागा आगे करके उल्टे बुन देने हैं। फिर यहाँ हमें फंदे बढ़ाने हैं तो ऐसे फंदा बढ़ाया, आप जिस तरह भी फंदे बढ़ाते हैं उसी तरह बढ़ा सकते हैं। और ये एक हमने ऐसे धागा लपेट के बनाया। ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 फिर इस सिलाई में एक फंदा उतारा और धागा अपनी तरफ किया, बाकी सारे फंदे उल्टे बुन देने। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 फिर इस सिलाई में एक फंदा बढ़ाएंगे, एक के फंदा। और ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तो हमारे पास 5 फंदे थे, 5 फंदे हमने बढ़ा लिए तो हमारे पास 10 फंदे हो गए। इस सिलाई में एक फंदा सीधा उतारा, बाकी फंदे धागा अपनी तरफ करके उल्टे बना देने। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10 अब हमें क्या करना है, पहले हम एक एक फंदा बढ़ा रहे थे, अब हमें ये 5 फंदे हमारे बढ़े हुए फंदे, 5 फंदे हमारे पास पहले थे 2, 4 और 1, ये 5 फिर 1, 2, 3, 4, 5 फंदे हमने बढ़ाए, अब हमें इन 5 फंदों को कम करना है। तो
जैसे हम बढ़ा रहे थे उसी तरह दो फंदों का एक करते हुए हमें एक एक फंदा कम करना है। तो अब हमारे पास एक, ये दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ और ये नौ, 10 फंदे थे तो एक फंदा हमारा कम हो गया। और इस सिलाई में पहला फंदा बिना बुने उतारना है और बाकी फंदे सारे धागा अपनी तरफ करके उल्टे बुन लेने हैं। तो जैसे हमने बढ़ाए थे वैसे ही एक सिलाई में हमें फंदे घटाने हैं और एक सिलाई ऐसे ही उल्टी बुन देनी है। फिर इस सिलाई में फंदे घटाएंगे तो दो फंदों का एक कर देंगे, तो एक फंदा हमारा इस सिलाई में घटी और बाकी फंदे उल्टे बुन देंगे। फिर इस फंदे इसको ऐसे उतारा धागा अपनी तरफ और बाकी सारे फंदे उल्टे बुन देने हैं। तो दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, दो फंदे हमारे कम हो गए। अब एक फंदा हम यहाँ घटाएंगे तो हमारे पास एक फंदा यहाँ कम हो जाएगा। दो फंदों का एक किया तो एक फंदा हो गया। दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, फिर इस सिलाई को हम ऐसे ही बुन लेंगे, एक फंदा उतारा बाकी सारे फंदे उल्टे बुन लेंगे। फिर यहाँ हम एक फंदा घटाएंगे, दो फंदे का एक किया, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः। अब इस फंदे को उतारा और बाकी फंदे धागा अपनी तरफ करके उल्टा बुन देना है। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः। फिर यहाँ हम एक फंदा और घटाएंगे तो हमारे पास पांच फंदे बच जाएंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, तो हमारे पास पांच फंदे थे तो हमारे पास फिर से पांच फंदे हो गए। अब हमें क्या करना है फ्रेंड्स, इसी तरह हमें तीन कलियां बनानी। एक कली हमने बना ली है, दो कलियां और बनानी है। तो जैसे ये कली बनाई है मैंने, पहले यहाँ एक एक फंदा बढ़ाया, फिर वहाँ यहाँ से हमने एक एक फंदा कम कर दिया। तो पांच फंदे थे हमारे पास, तो एक एक फंदा बढ़ाते हुए 10 फंदे हो गए थे, फिर एक एक फंदा कम करते हुए हमारे पास फिर से पांच फंदे हो गए। तो ऐसे ही फिर मैं दो कली और बना लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड, तीन कलियां मैंने यहाँ बना ली हैं, एक कली मैंने आपको बना के बताई थी और दो कलियां मैंने और बना ली हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ कलर चेंज करना है। तो सेकंड कलर लगाएंगे और सेकंड कलर से इस फंदे को ऐसे सीधा बुन लेंगे और धागे को फिर अपनी तरफ कर लेंगे और बाकी के फंदे, पांच फंदे हैं, बाकी के फंदे उल्टे बना लेंगे। इस धागे को ऐसे इसमें ले लेंगे। तो एक, दो, तीन, चार, पांच, पांच फंदे हैं, पांच फंदे उल्टे बना लिए। अब इस सीधी साइड है हमारी, धागा हमें यहां से चेंज करना है तो जिस साइड हम धागा चेंज करते हैं वो साइड हमारी उल्टी हो जाती है। अब यहाँ फिर हमें जैसे हमने ये कलियां बनाई हैं वैसे ही इस कली को भी बनाना है। तो यहाँ हमें एक फंदा बढ़ाना है, तो ऐसे धागा लपेटा और बाकी पांच फंदे उल्टे बना दिए। एक, दो, ये हमारे पास एक, दो, तीन, चार, पाँच और ये छः फंदे हो गए। इस धागे को भी हम ऐसे आगे लेते रहेंगे क्योंकि आगे फिर तीन कलियों के बाद हमें तीन कलियां फिर इसी कलर से बनानी है। इस सिलाई को ऐसे उल्टा बुन देंगे। दो, तीन, चार, पाँच, छः, फिर यहाँ एक फंदा बढ़ाएंगे और बाकी के फंदे उल्टे बना देंगे। दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, फिर इस फंदे को सीधा उतारा
और धागे को अपनी तरफ कर देना है, बाकी फंदे उल्टे बना देने हैं। तो इसी तरह फ्रेंड्स हमें जैसे मैंने ये कली आपको बना के बताई थी वैसे ही हमें फिर इस कलर से भी ऐसे ही 1 2 3 तीन कलियां बनानी है, फिर हमें ये कलर लगाना है। तो मैं इसकी गोलाई पूरी, तीन कलियां हमने इस कलर से बना ली हैं, 1 2 3 फिर तीन कलियां इस कलर से बनाएंगे, फिर तीन कलियां इस कलर से बनाएंगे, फिर तीन कलियां इस कलर से। तो दो बार, एक बार ये बना लिया, फिर ये, फिर हम इस कलर से बनाएंगे, फिर इस कलर से। तो मैं ये पूरी कली बना के फिर आपको दिखाती हूँ, पूरा झालर बना के तब मैं बताऊंगी कि आपको ये सिलना कैसे है इसमें। तो देखिए फ्रेंड्स, 6 कलियाँ मैंने, तीन कली इस कलर से बनाई हैं और तीन इस कलर से बनाई हैं। तो मैं आपको इसको सिलना बताऊंगी कि इसे हमें कैसे जोड़ना है। इस पायदान में ऐसे जोड़ना है, तो उल्टी साइड से ऐसे जो रखना है, और यहाँ से कहीं से भी आप शुरू कर सकते हैं इसको ऐसे। ये हमारा उल्टा साइड है, तो इसको ऐसे पायदान के साथ ऐसे मिला के और फिर इसकी सिलाई करनी है। तो ऐसे यहाँ से ऐसे इसकी सिलाई कर देंगे। ऐसे इस साइड से ये जो हमने फंदे उठा के लिए हैं उनमें ऐसे सुई डालनी है, और इसका भी पायदान की भी हम ऐसे ले लेंगे, दोनों किनारे मिलाते हुए ऐसे सिल लेंगे। ऐसे इसकी सिलाई हो जाएगी। तो मैं पूरा सिल लेती हूँ जहाँ तक मैंने बनाया है, फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये 6 कलियाँ मैंने झालर की यहाँ जोड़ दी हैं, तीन कलियाँ इस कलर से हैं और तीन कलियाँ इस कलर से। वैसे ही तीन कलियाँ फिर हमें इस कलर से यहाँ बनानी है और तीन कलियाँ इस कलर से इधर बना के जोड़ देनी है, यहाँ पे लास्ट में यहाँ से लेके इधर ऐसे जोड़ देने हैं। फिर हमारे पायदान ऐसे दिखता है। तो मैं ये कलियां सारी बना के जोड़ के फाइनल लुक आपको दिखाऊंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने सारी झालर बना के कंप्लीट कर ली है और इसकी सिलाई भी कर ली है। तो बनने के बाद फ्रेंड्स, हमारा पायदान बहुत ही खूबसूरत दिखता है। आप भी ये पायदान बनाएं और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये पायदान डिजाइन कैसे लगा। थैंक यू।